आज हम उस काले चोर की मौत का नजारा देखेंगे। और साथ और साथ उस नकाब के पीछे छुपी हुई शक्ल को भी। मुझ पर हाथ उठाया। चोर, तुमने मुझ पर हाथ उठाया जीनू, मतलब ज्यादा जोर से मारा, लेकिन चलेगा, भाइयों में तो इतना होता रहता है ना। और जीनू, अगर तुम्हें मुझे और मारना है ना तो मार लो, लेकिन घर चलो मेरे भाई, अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही, घर चलो। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम अपने पुराने आका को ही खत्म कर दो। ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं क्या कर रहा हूं, अपने अपने पुराने आका को मार नहीं सकता। नहीं, नहीं, मैं ये हुक्म नहीं मानूंगा, ये हुक्म नहीं मानूंगा। अगर बिजली मुझ पर गिर गई तो मैं तो जल के राख हो जाऊंगा। जिनू भाई, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। वही मामूली इंसान चिराग के जिन को ऐसे कांटे की टक्कर नहीं दे सकता। जिनू मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? जब तुम चूल्हे की लकड़ी से खेला करते थे तो अम्मी तुम्हें डांटती थी, जब उन्हें पता चलेगा कि तुम बिजली से खेल रहे हो तो वो बहुत नाराज होंगी। कौन है ये इंसान, और हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने ये हिम्मत और ताकत पहले भी देखी है? रुक जाओ जीनू, तुम्हें अम्मी की कसम, आका ना हुआ बल्कि हमारे हलक की हट्टी बन गया है ये हमारा गुलाम है, इसका नहीं। एक जिन चिराग का गुलाम होता है, जज्बात का नहीं। चिराग के जिन, खत्म कर दो अपने पुराने आका को। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। चिनू तो तरबूज से तोप का गोला बन गया है। माशाल्लाह, जीते जी अपनी शक्ल तो नहीं दिखाई, अब मरते मरते भी चेहरा छुपाए रखा है।
अल्लाह अर्ज किया है, जितनी उम्र कटनी थी कट गई। पहले पजामा फटा करते थे और अब जमीन ही फट गई। जिनू अलर्ट, चेहरा, ये लड़का, हम इससे पहले मिल चुके हैं। हम पहचानते हैं इसे। लेकिन आखिर ये है कौन? तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। और चुराना क्या है? एक चिराग। उस काले कपड़े वाले लड़के और उसके जिन ने सारे खेल पे पानी फेर दिया। वजीर आला, ये अलादीन। नाम तो सुना होगा। जरूर हमारी नफरत में कोई कमी रह गई वरना ये लड़का हमारी आंखों के सामने था, हम उसे पहचान नहीं पाए। मैंने जिसे मामूली कांटा समझा, तलवार निकला हो। आखिर ये अलादीन ही काला चोर है। यहां क्या हुआ है? खुशहाल तो ठीक है ना? माफ कीजिए, आपको पहले कभी इस इलाके में देखा नहीं है। आप तो बीबी, हम इधर ही बड़ा टीला के पास में रहता है। पर ये सब कैसे हो गया? आप ठीक तो है? हमारा मतलब, ये सब उसी बुरे जिन ने तो नहीं किया जो पूरा बगदाद में कैर मचा के रखा है? ये किसी बुरे जिन ने नहीं किया है। बख्सार इतने गुस्से में, इसे क्या हुआ? अलादीन और चराग का जिन बिना जाने कहां गायब हो गए। मुझे अलादीन को ढूंढना होगा और पता करना होगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अल्लाह अल्लाह बीबी, जा गए करीब। मैं क्या कर रहा हूं? जिनो, अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये गुनाह तुम दुनिया की किसी में साबुन से धुल नहीं पाओगे।
को रोक लो जिनू। ये लड़का हमसे खेलता रहा और हम उसे पहचान ही नहीं पाए। मेरे अक्ल के जादूगर आका, आपको इस लड़के की तलाश है? इसकी? मैं तो इसको कब से जानता हूं। अगर आपने हुक्म दिया होता तो ये लड़का कब का आपके कदमों में होता। आका, मैं इसका घर जानता हूं, मैं आपको इसके घर वालों से भी मिला सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको इसके घर लेके जा सकता हूं। आका, दोस्ती भले ही दूर से निभाई जाए मगर दुश्मनों को करीब रखना चाहिए। और वैसे भी इन दोनों मुंह भोले भाइयों का तमाशा इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाला। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना, ये अलादीन का घर है। माशाल्लाह, क्या बड़ा देख चढ़ा रखा है, पर इसे खाएगा कौन? तेरे बेटे तो भाग गए रुखसार। नहीं भाभी, मेरे बेटे आएंगे और आते ही चीनू शीर कोरमा खाने की जिद करेगा। और ये अलादीन की अम्मी है। इन्होंने चिराग के जिन को अपना बेटा बनाया था। जिनको अपना बेटा। यकीन नहीं होता आका कि दुनिया में ऐसे बेवकूफ भी होते हैं। हमने इस औरत को पहले भी कहीं देखा है। मेवे डाल के जो इतना शेर कोरमा बनाया है उसमें से एक छुआरा इस सूखे छुआरे को भी डाल देती। वैसे भी ये सब तो जाया जाने वाला है। मेरे बेटे जरूर आएंगे भाभी। रुखसार, बहन नाजनीन के पास तुम्हारे लिए ताजा खबर है, तुम्हारे बेटे नहीं आएंगे। बेशक उनकी माँ यहाँ से जरूर जाएगी। भाभी, मुफ्तखोरों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रुखसार, क्या कहा बेगम, मेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। छछुंदर के मुंह वाले, मैं तुमसे नहीं रुखसार की बात कर रही हूँ। कसम सोने की अशर्फियों की, रुखसार, तुम्हारा खानदान इब्ने बतूता का नहीं, झूठों का खानदान है, गद्दारों का खानदान है, मक्कारों का खानदान है। अरे तुम्हारे घर का हर मर्द गद्दार है। रुखसार, सीधे सीधे अपना सामान बांधो और चलती बनो, वरना सामान टिकवा दूंगी। चाट क्या रहे हो, सामान उठाओ। हाँ हाँ बेगम। भाईजान, भाभी, बेगम, ये भी तुम पर गया है। ऊपर वाला तुम दोनों को एक दिन जरूर उठाएगा। मुसल से तुम्हारा मुंह कोट दूंगी। ले, ले, ले। और रही बात तुम्हारी, रुखसार, चली जाओ यहाँ से चुपचाप। तुम्हारे घर के मर्द तो सुभान अल्लाह, शौहर महल का गद्दार, बेटा बगदाद का गद्दार, और तीसरा वो तो निकम्मा था ही। कसम सोने की अशर्फियों की, तुम्हारे घर के मर्दों की वजह से हमारा खानदान ये और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, कह देती हूँ। ये औरत महल के किस गद्दार की बात कर रही है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने अलादीन की अम्मी को पहले भी देखा है? रुखसार बहन, इसे हमारी आखिरी गीदड़ भपकी समझना। मेरा मतलब है आखिरी धमकी समझना। हमारा घर खाली करो आज के आज। तुम भी खा जाओ सब आज के आज। चलो थोड़ा। चीन, वो तुम दोनों। We'll be right back.
शैतान जिन है। मैं जख्म क्या कम थे जो भाभी ने ताने देकर अपने जख्म ताजा कर दिए। आखिर ये किसकी तस्वीर है और ये किसकी बीवी है? और अलादीन वो किसका बेटा है? न जाने क्यों पर हमें ऐसा लग रहा है कि हम इन सारे लोगों को पहले से जानते हैं। तुमको मार देगा, हमें कुछ करना होगा। मुझे मारने से पहले याद करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। क्यों जिनू, तुम्हें अम्मी की कसम। मैं तेरी अम्मी नहीं हूँ। तू चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारा भाई हूँ। खत्म कर दो अपने पुराने आका को। निकल जिनू, अम्मी के बारे में सोचो। मैंने कसम खाई थी कि जब तक आप बेगुनाह साबित नहीं हो जाएंगे मैं आपकी तस्वीर नहीं देखूंगी। मैं कसम खाती आज के बाद इस तस्वीर को तब देखूंगी जब ये साबित हो जाएगा कि मेरे शौहर बेगुनाह। आज मेरे इरादे कमजोर पड़ रहे हैं, इतने बरसों की हिम्मत टूट रही है। वो आपकी यादें मुझे नहीं संभाल पाएंगी। अब आपको आना होगा। उमर, अलादीन उमर का बेटा है। हमारा वो दुश्मन जिसे हम आज तक मोहरा बनाकर खेल रहे थे। लगता है ये हाथी चूहेगा खेल और मेरी सांसें अजीजी के साथ खत्म हो जाएगी। सब सही हो जाएगा मेरे भाई।
बस एक बार मेरा हाथ थामो, जिनू थामो ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ जिनू।